हेलो वेलकम टू टूडेज क्लास ऑफ करेंट अफेयर्स वे आर वी विल बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियटिव राजस्थान गवर्नमेंट विच गोज बाई द नेम ऑफ उड़ान यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म इट वॉज स्पेल्ट एज उड़ान उड़े देश का आम नागरिक तो क्या अंतर है दोनों में सिर्फ एक ए का यहाँ पे डबल ए है यहाँ सिंगल ए है उड़ना तो दोनों में ही है बस एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है यहां पे हम ऑर्डिनरी की वाया प्लेन उड़ने की बात करें विच मीन दैट उड़ान स्कीम गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर हैविंग एन एरोप्लेन फ्लाइट ताकि वो आराम से एरोप्लेन में बैठ सके एक बहुत ही सब्सिडाइज कॉस्ट में और यहां हम बात कर रहे हैं एडिंग विंग्स टू गर्ल्स लड़कियों को पंख देने की ताकि दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट फ्रूटफुली टू द सोसाइटी चलो लेटर्स स्टार्ट दिस टॉपिक ना वट एक्चुअली उड़ान इज सी उड़ान गिवस विंग्स टू अ बेटर फ्यूचर इन रूरल राजस्थान उड़ान प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द राजस्थान गवर्नमेंट इन कोलाबोरेशन विद डेवलपमेंटल कंसल्टिंग ग्रुप आईपी ग्लोबल यहाँ पे मेन क्वेश्चन है कि उड़ान स्कीम की ऑब्जेक्टिव क्या है तो उड़ान स्कीम की ऑब्जेक्टिव है टू कीप द गर्ल्स इन स्कूल थ्रू देयर एनरोलमेंट एट सेकेंडरी लेवल वाइल इंश्योरिंग दैट द एलिजिबल वन अमॉन्ग गेट देयर स्कॉलरशिप यानी कि अगर इसको हम शॉर्टकट में बोलें उड़ान स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द रिटेंशन रेट ऑफ स्टूडेंट गर्ल स्टूडेंट एट सेकेंडरी लेवल और इसके लिए उनको स्कॉलरशिप दी जाए। देखिए बेसिकली क्या होता है ना इज ट्राइंग टू प्रमोट गर्ल्स का क्या इंपैक्ट है हम आगे आने वाले में देखेंगे। क्योंकि आपके जीएस पेपर वन में जहां सोशल इशूज की बात होती है एवरी ईयर वन टू टू क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इशूज और विमेन इशूज आपस में इंटरलिंक्ड है बेसिकली दिस फॉलोज अ लाइफ साइकिल अप्रोच यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि विमेन की इशू जो है ये एक सर्टेन टाइम पीरियड पे स्टार्ट होती है द डे अ गर्ल इज बॉर्न वहां से ये सारी की सारी प्रॉब्लम आपस में इंटरलिंक्ड है तो उस इंटरलिंक्ड पार्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक इज एजुकेशन और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सेकेंडरी एजुकेशन क्योंकि जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट है वो सेकेंडरी एजुकेशन के स्टेज में होती है इसके लिए क्या रीजन है इसके लिए क्या डेटा क्या फैक्ट है वो हम आगे देखेंगे बट यू विल हैव टू अप्रिशिएट कि आर वी टेकिंग स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इसको आप कहीं भी केस स्टडी में यूज कर सकते हो केस स्टडी ऑफ एथिक्स जहां पे यू हैव टू मेंशन एनीथिंग अबाउट से फॉर एग्जांपल आपको वहां पे एक केस स्टडी दी गई है कि यू आर अ डीएसपी ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया एंड वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ गर्ल ड्रॉप आउट ड्यू टू चाइल्ड लेबर वहां पे आप इस स्कीम का मेंशन कर सकते हो एज राजस्थान गवर्नमेंट हेज ब्रॉट इन अमज उड़ान वेद गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू की गर्ल्स एट स्कूल बाई प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू एलिजिबल कैंडिडेट्स यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर स्कीम इन योर जी एस वन एंसर ठीक है तो ये इस स्कीम का बेसिक रेलिवेंस है वॉट इज द करेंट स्टेट ऑफ गर्ल ड्रॉपिंग आउट इट इज एस्टिमेटेड दैट ओवर टू पॉइंट फोर करोर गर्ल्स ग्लोबली आर ऑन द वर्ज ऑफ ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू कोविड नाइनटीन पेंडेमिक देखिए कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक का वी हैव जेंडर इम्पैक्ट वी ऑल्सो हैव क्लास इम्पैक्ट यानी कोविड नाइन्टीन ने बहुत सारे चीज़ों को लीड किया है इसमें आप कह सकते हैं कि देर इज एन इंक्रीज इन पॉवर्टी इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटी इंक्रीज इन जेंडर डिफ्रेंसेस उसका एक आस्पेक्ट ये भी है कि कोविड नाइन्टीन हैज लेड टू टू पॉइंट फोर करोड़ गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल्स इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट बिफोर द पेंडेमिक देयर वॉज अ वेलकम ट्रेंड यानी कि इंडिया में जो एनरोलमेंट रेशियो है रिटेंशन रेशियो है दिस वॉज इंक्रीजिंग लेकिन कोविड 19 ने उन सारे प्रोग्रेस को वापस एक हिट किया है इन द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर वुमेन इन हायर एजुकेशन तो हुआ क्या था कि 2012 से 2013 में द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वॉज 19 परसेंट विच इंक्रीज टू 27.3 परसेंट इन 2019 एंड 2020 इसके बाद कोविड 19 आया एंड देन अगेन दिस कोविड नाइनटीन का इंपैक्ट के चलते दिस जीई आर इज गोइंग टू कम डाउन ओके अब इसके पीछे का रीजन क्या है देखो मेजर रीजन है एंगेज इन डोमेस्टिक एक्टिविटी थर्टी वाइन थर्टी वन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द विमेन दे आर एंगेज इन डोमेस्टिक एक्टिविटी हमने यह भी देखा था कोविड नाइनटीन हैज लेड टू इंक्रीज इन केयर गिविंग सब लोग अपने घर में थे द पीपल हु आर वर्किंग इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सब लोग अपने घर में थे जिसके चलते केयर गिविंग वर्क और ज्यादा बढ़ गया एवरी वन वॉज ऑन हॉलीडे एक्सेप्ट क्योंकि उनको अपने घर में केयर गिविंग वर्क प्रोवाइड कराना था जिसके चलते द डोमेस्टिक एक्टिविटी इंक्रीजेस और अगर डोमेस्टिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा देन दिस विल इंसेंटिवाइज गर्ल गोइंग टू स्कूल एंड विल लेट टू दे आर ड्रॉपिंग आउट हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट मैनी आर फेसिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेन फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अन ऑप्शन फॉर गिविंग एजुकेशन टू अ मेल चाइल्ड एंड टू अ फीमेल चाइल्ड द पेरेंट्स जनरली ऑप्टू गिव एजुकेशन टू द मेल चाइल्ड ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये एक नोशन है कि अगर वो अपनी मेल चाइल्ड अगर वो अपने सन को पढ़ा रहे हैं देन ही इज गोइंग टू लुक आफ्टर दैम वेन दे ग्रो ओल्ड हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे कि क्या ये सही है क्या ये गलत है लेकिन ये एक जनरली सोसाइटी का नोशन है Not interested in education. Around 15.3% of girls, they were not interested in the education itself. Reasons can be many. Getting married. When they are getting married, they lose their interest to study. Because after marriage, they have to do the caregiving work. Okay. And early marriage. टू अर्ली चाइल्ड बर्थ अगेन रेस्ट्रिक्टिंग हर मोबिलिटी इफ अ वेमेन बिकम्स अ मदर देन शी हैजू लुक आफ्टर द चाइल्ड और बहुत सारे इंस्टेंसेज में हम क्या देखते हैं कि जनरली शी ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल शी ड्रॉप ऑफ द कॉलेज पेट्रियार्कल जेंडर बायसेस एंड पेट्रियार्कल सोशल लॉम्स देखो पेट्रियार्कल का मतलब होता है इसका जो टेक्निकल मीनिंग है वो ये है कि मैन आर एक्सप्लाइटिंग द वमेन ठीक है तो अभी भी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं जिनके चलते विमेन एजुकेशन इज टेकिंग अ हिट लो एक्सपेंडिचर ऑन गर्ल्स एजुकेशन ये सिमिलर पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन गर्ल्स एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट दे हैव टू चूज बिटवीन गिविंग एजुकेशन टू अ बॉय और गिविंग एजुकेशन टू अ गर्ल नो वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन एजुकेशन सबसे पहला हायर सोशल रिटर्न द ग्लोबल एवरेज फॉर द प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न विद जस्ट वन एक्स्ट्रा ईयर ऑफ स्कूलिंग इज अबाउट नाइन परसेंट वाइल दोशल रिटर्न ईयर हायर अबेंट एट दायर एजुकेशन एज पर डिस होता क्या है इसमें हायर सोशल का मतलब क्या है इफ़ यू आर गोइंग टू एजुकेट यूर वन लीड टू एन एजुकेटेड फैमिली दिल्ड्रेन विच शी विल है सोसाइटी में जो सोशल नॉर्म्स है से फॉर एग्जाम्पल मेल चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल गिविंग डाउरी फॉर एग्जाम्पल मैरिंग द गर्ल अर्लियर ऑल दीज थिंग्स विल टेक अ हिट इफ द गर्ल इज एजुकेटेड दिस इज वॉट इज बींग मेंट बाई हायर सोशल रिटर्न इंक्लूजन ऑफ विमेन इन लीडरशिप रोल्स अगर आप वुमेन को एजुकेट कर रहे हो देन शी विल बी इंसेंटिवाइज टू स्टैंड फॉर हर राइट्स इससे होगा क्या कि दे आर गोइंग टू गो टू द हायर एक्लेंस ऑफ पावर आज हम क्या देखते हैं कि लोकसभा में भी लेस देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ द एमपीज आर वेमेन इसमें ये भी कह सकते हैं लैक ऑफ पोलिटिकल विल इफ देयर विल बी विमेन एमपीज देन दे विल बी मोर सेंसिटिव टू वन इश्यूज जहां पे एक तरफ हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वन थर्ड ऑफ द रिजर्वेशन फॉर वुमेन की बात की और वहां पे पास भी किया हुआ है बट सिमिलर काज नॉट है लोकसभा और राज्यसभा में यह चीज नहीं है अगर हम ऐसी चीज़ करते हैं, क्या होगा दुम एम पीजे एंड हाउ कैन वी प्रमोट मोर विमेन एम पीज जब हम उनको एजुकेट करेंगे वो अपने राइट से एजुकेट होंगी एंड अल्टीमेटली दे ऑल्सो विल वॉन्ट टू गो टू दैट प्लेस दे कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विमेन सिमिलर सिचुएशन इकोनॉमिक इंपैक्ट ये तो हम बात कर ही चुके हैं एक फेमस रिपोर्ट आई थी आई की जिसमें आई की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टान लगाड़ ने बोला है कि अगर हम मेन और विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को इक्वल कर दें एंड दैट लीड टू एन इंक्रीज इन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द जीडीपी, डी पी टू इंक्रीमेंट होगा में तो अगर हम वुमेन को एजुकेट कर रहे हैं तो उसका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ने के चलते जी ग्रोथ होगी इंपैक्ट ऑन चाइल्ड पहले ही बात कर लिया था एन एजुकेटेड विमेन एन एजुकेटेड मदर विल ऑलवेज द सराउंडिंग सो दैट द चाइल्ड विल चाइल्डो बी एजुकेटेड अब हमें देखना है कि उड़ान का इंपैक्ट क्या है देखो सबसे पहले द प्रोग्राम हैज रूरल कम्युनिटी टू सपोर्ट गर्ल एजुकेशन एंड फैसिलिटेट देयर अटेंडेंस विदाउट अ ब्रेक स्टैंड द स्कॉलरशिप डिलीवरी सिस्टम थ्रू आई टी इबल्ड सर्विसेज एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जहाँ पर वो स्कॉलरशिप प्रमोट करती है जहाँ पर वो स्कॉलरशिप देती है लेकिन होता है क्या है कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस इन सारे गवर्नमेंट स्कीम्स की बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुँच पाती है तो उड़ान का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो आई टी इनेबल्ड सर्विसेज के द्वारा अवेयरनेस को बढ़ाए और एक बार अगर अवेयरनेस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली गर्ल्स जो है वो ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेल करेंगी और स्कॉलरशिप अवेल करने से दैट विल इंसेंटिवाइज देम टू स्टडी मोर ई मित्र कैंपेन ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ उड़ान हेल्प स्टूडेंट रिसीव द बर्सरी अमाउंट इन देयर बैंक अकाउंट यानी कि ये जो फैसिलिटी है जो पैसे उनको मिलने थे वो पैसे उनके बैंक अकाउंट में आ गए दिस विल लीड टू अ बिहेवियरियल चेंज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जब तक बिहेवियरियल चेंज नहीं हो रहा है फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत मिशन इतने साल हो गए हैं लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि इज स्वच्छ भारत मिशन अ सक्सेस तो आपका एक मिक्स रेस्पॉन्स होगा और वन ऑफ द मेजर रीजन कि ये इतनी स्ट्रांगली या ये इतनी स्पीडली सक्सेसफुल नहीं हुआ है इसके पीछे रीजन है लैक ऑफ बिहेवियरियल चेंज जब बिहेवियरियल चेंज आएगा जब लोग में ओपन डेफिकेशन के अगेंस्ट एक धारणा बनेगी कि नहीं इट इज रॉन्ग तब स्वच्छ भारत मिशन विल बी ट्रूली अ सक्सेस it will also provide essential adolescent sexual and reproductive health education okay then thanks for watching this video you can contact us facebook instagram telegram and in case of any doubt feel free to call this number we will be more than happy to help you okay thank you